हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BTC की अपडेट के बारे में कि अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव होएगा वो क्या हो सकता है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो दो मेजर अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है आज वो हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है न्यूज़ जो है ये मिंट की है कि व्हाई एनालिस्ट्स आर एक्सपेक्टिंग सम रिलीफ फॉर स्टॉक मार्केट्स आफ्टर फेड मीटिंग। ओके, तो एक फेड मीटिंग जो है यहाँ पे होनी है, हम आपको बताएंगे इसमें क्या होने, इसमें एक इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड होने, तो यहाँ पे इसका टाइम क्या है, इसका टाइम जो है 11:30 PM टू नाइट, यानी आज जो है 15 जून है। ओके, आज 11:30 बजे अराउंड इस मीटिंग, ये मीटिंग में जो रेट अनाउंस, मतलब जो रेट जो होंगे वो डिस्कस होंगे। ओके, फिर उसके बाद उस रेट को पब्लिक किया जाएगा कि क्या रेट्स वो जो होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना इंतज़ार करना होगा कि यहाँ पे अराउंड 11:30 PM का टाइम बताया गया, तो तब तक कि मेरा ये सजेशन है कि आप जो है क्रिप्टो में जो है अगर अब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसको आपको ऐसे भी पहले भी इससे लॉस हो चुका हो, क्योंकि BTC गिरता चला जा रहा है टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पे इसका टाइम जो है 11:30 PM टू नाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आपको मेजर न्यूज़ जो है वो बताएंगे कि यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है ये। ओके, कह रहे हैं US फेड पॉलिसी मीट टूडे, आज जो है इसकी मीटिंग होनी है, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड इंपैक्ट इन इंडिया, यानी इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसका इंपैक्ट जो होगा वो इंडियन मार्केट पे क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है द फेडरल ओपन मार्केट कमिटी FOMC, ये ट्विटर पे हैशटैग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है इसकी मीटिंग होनी है 14-15 जून को। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स द फेडरल रिजर्व एक्सपेक्टिंग टू रेज इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो रेज होने यानी बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इन अ रो बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। ओके, 50 बेसिस पॉइंट्स BPS जो है एंड कंटिन्यू टू एनवेंड इट्स $9 trillion बैलेंस शीट। ओके, लास्ट टाइम फेड रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट, लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट रेट जो 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किए गए थे वो हुआ था mid-1994 में। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि हाउ मच रेट इज हाइक इज एक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स की बात करी जा रही है तो 95% पॉसिबिलिटी है कि अनदर 50 बेसिस पॉइंट रेट जो है हाइक होगा इस बार। ओके, और इफ़ FOMC decides to raise the federal funds rate by another 50 basis points, the target rate would be between 1.25% से 1.5% के बीच में। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि द फेडरल रिजर्व शुड रेज FED funds rate by 3% tomorrow in my opinion। ओके, जेफरी ने कहा ये, तो यहाँ पे एक जो न्यूज़ थी कि यहाँ पे 0.75% तक की जो रेट की बात हुई थी। ओके, आपको हम न्यूज़ दिखा देते हैं वो वाली। ओके, तो ये जो है न्यूज़ है मनी कंट्रोल की कि US फेड मीटिंग प्रीव्यू और कंटेनिंग इन्फ्लेशन टॉप प्रायोरिटी 75 BPS हाइक इन इंटरेस्ट रेट लाइकली। ओके, तो यहाँ पे जो है मेन पॉइंट वो है ये, द फेडरल रिजर्व इन इट्स लास्ट मीटिंग हैज़ डिसाइडेड टू रेज रेट्स एंड मेंटेन इट्स हॉकिश स्टैंस। US फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल हैड सिग्नल दैट द फेड्स पॉलिसी मेकिंग कमेटी एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट 0.5% इंक्रीजेस एट इट्स नेक्स्ट टू मीटिंग, बट वॉज नॉट एक्टिवली कंसिडरिंग अ मोर एग्रेसिव 0.75% इंक्रीज। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए इंटरेस्ट रेट जो है इसका, ओके, कि क्या निकल के आते हैं, फिर आप जो है नेक्स्ट अपना जो इन्वेस्ट करने का अगर सोच रहे हैं तभी करिएगा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा इन सब जगहों पर। ओके, तो अब जब भी आप कोई इन्वेस्ट करें किसी भी क्रिप्टो में, बिटकॉइन में करें या फिर कोई भी क्रिप्टो में करें, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, वरना जो है आपके पैसे फंस सकते हैं अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाए। ओके, तो यहाँ पे हम मेरा आपको सजेस्ट करेंगे थोड़ा वेट करिए। और बिटकॉइन के हम अगर अभी एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे BTC का चार्ट हम खोल चुके हैं, यहाँ पे अराउंड BTC का जो प्राइस चल रहा है वो $20,000 USD चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी जो मेरा मानना है कि यहाँ पे नेक्स्ट बिटकॉइन का मूव क्या हो सकता है वो ये आपको वैसे पता है कि नेगेटिव न्यूज़ है मीटिंग में कि इंटरेस्ट रेट में हाइक होगा, तो इससे जो है जो मेरा मानना है कि बिटकॉइन का प्राइस गिर सकता है। ओके, और यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है न्यूज़ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम BTC का देखा जाए तो अभी $20,000 चल रहा है यहाँ पे USD इसका प्राइस बिटकॉइन का। ओके, और नेक्स्ट इसका मूव जो हो सकता है वो हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको हम ऑल पे इसको चार्ट को ओपन कर लेते हैं पूरा। ओके, फिर आपको बताते हैं इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके, देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हम इसको और थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, इसको और चार्ट को और एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसका प्राइस चल रहा है 20,272। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे अगर इसको हम और
और जूम करें और जूम करें, तो यहाँ पे 2020 की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे अराउंड ये जो है ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिसंबर 2020 की बात करें तो दिसंबर 2020 में जो बिटकॉइन के जो प्राइस थे उसने जो रेजिस्ट करने की जहाँ पे कोशिश करी थी वो था अराउंड 18,000 USDT, ओके 18,000 USDT पे यहाँ पे 2020 में, दिसंबर 2020 में अराउंड बिटकॉइन ने यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश करी थी, ओके और उसके बाद वो अब गया था। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस था ओके, वो अब की अभी की बात करें तो अभी बिटकॉइन का सपोर्ट बन सकता है ओके 18, और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि 18,000 USDT जो है जो प्राइस है बिटकॉइन का वो आ सकता है ओके। और अगर उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो फेवर में आते हैं ओके, तो इसमें हाइक देखा जा सकता है अराउंड $24,000 तक की जा सकती, 24,000 USDT तक की आराम से जा सकता है ओके। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इवन कि 18,000 USDT जो है बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। तो स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाइए, और अभी मेरा सजेशन है कि इन्वेस्ट ना करिएगा, आप इंतज़ार करिए जो फेड की जो मीटिंग होनी उसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड होंगे, उसमें देख लीजिएगा आप क्या निकल के आते हैं ओके, तो और उसके बाद फिर ही इन्वेस्ट करिएगा ओके। तो गाइज़ यहाँ पर वीडियो को एंड करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।